हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो एक्सटीरियर इमल्शन गोल्ड के बारे में, जो कि इंडिगो का हायर सेल मिड रेंज एक्सटीरियर प्रोडक्ट है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें कौन कौन से बेस आते हैं और उसमें कौन कौन से बेस में कैसा कलर बनाया जाता है। अब जब जो भी मैंने पिछली वीडियो दिखाया था, उसमें आपको व्हाइट बेस, रेड बेस, येलो बेस, क्लियर बेस, क्रीम बेस, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। आज हम इसी तरह से इंडिगो का एक्सटीरियर इमल्शन गोल्ड, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये इंडिगो का हायर सेल एक्सटीरियर प्रोडक्ट है। आज हम इसी के सारे बेस के बारे में देखेंगे और देखिए ये कौन कौन से बेस में कैसा कलर बनाया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द पेंट ग्रुप पे। जो भी हमने पिछली वीडियो डाला था, उस पर आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल द पेंट गुरु को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जो भी हमने पिछली वीडियो डाला था, जो एशियन का था या फिर हमने जेएसडब्ल्यू का पिक्सा के बेस के बारे में बात किया था, तो उसमें आपको व्हाइट बेस, इंटरमीडिएट बेस, येलो बेस, रेड बेस या फिर क्लियर बेस, लगभग पांच बेस के बारे में बात किया था। बट जो इंडिगो का एक्सटीरियर इमल्शन गोल्ड है, इसमें सिर्फ चार ही बेस आते हैं आपको, व्हाइट बेस, इंटरमीडिएट बेस, येल्लो बेस, क्लियर बेस। इसमें कोई भी आपको रेड बेस नहीं आता है। जो भी हम काम करते हैं, तो हम प्रीमियम एक्सटी प्रोडक्ट ले लें या एक्सटीरियर इमल्शन गोल्ड ले लें या फिर इंटीरियर इमल्शन सिल्वर सीरीज ले लें, हम किसी भी प्रोडक्ट को ले लें, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाइट बेस, इंटरमीडिएट बेस, येल्लो बेस और क्लियर बेस, ये चार ही बेस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से बेस के इसका कौन कौन सा कोड होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे IC2, ये इंडिगो का व्हाइट बेस है। जो एक्सटीरियर इमल्शन, ये व्हाइट बेस, इसमें कोई भी आप लाइट कलर, जैसे आप IC2 या फिर पिक्सा का जो PE1 था, या फिर जो आप ये कह लें कि एशियन का AC2 था, ये जो व्हाइट बेस है बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कोई भी आप लाइट कलर जो चाहें इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर नेरोलेक का जो SL1 है, जो व्हाइट बेस है, आप बिल्कुल उससे कंपेयर कर सकते हैं और उससे आप इसमें जो भी लाइट कलर है वो आप इससे बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट बेस के। तो अगर आप इंटरमीडिएट बेस की बात करें, तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका IC9, ये देख सकते हैं, ये है इंटरमीडिएट बेस। अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें आप कोई भी मीडियम डार्क कलर, जैसे डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, डार्क वो, इस टाइप का कोई भी जो डार्क कलर है, मीडियम डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, जो बॉर्डर वगैरह पे यूज होता है, मीडियम कोई भी डार्क कलर आप इसके हेल्प से बना सकते हैं। फिर इसमें आता है आपका क्लियर बेस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा होगा IC21, ये होता है क्लियर बेस। तो इसमें कोई भी आप ऐसा कलर जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, या जो आप बॉर्डर वगैरह पे एक्सटीरियर में लगाते हैं, या फिर इंटीरियर में भी कोई भी ऐसा कलर सेलेक्ट करते हैं जिसमें बॉर्डर पे आपको लगाना होता है, तो आप इसमें बना सकते हैं। फिर इन सब के बाद आता है आपको येल्लो बेस। तो अगर हम येल्लो बेस की बात करें, तो आप देख सकते हैं, ये है येल्लो बेस, ये 17 नंबर करके IC17, इसमें आप कोई भी ऑरेंज कलर या डार्क ग्रीन कलर, इस टाइप का सेट आप इससे बना सकते हैं। कभी कभी आपको थोड़ा बहुत रेडिश कलर भी होता है जो इसमें बन जाता है। तो इंडिगो आपको रेड बेस नहीं देता है, उसका मैक्सिमम जो रेड बेस में कलर बनता है वो आपको IC21 जो होता है वो उसमें बन जाता है, या फिर हम IC इंडिगो का जब भी कोड डालते हैं तो IC21 तक ही डिमांड करता है, वो रेड बेस आपको डिमांडिंग नहीं करता होगा। मैंने थोड़ा टाइम पहले अब इंडिगो का मशीन का रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको डाला भी था कि उसमें आपको कहीं पे भी रेड बेस का डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लियर बेस। अगर कोई बहुत ज़्यादा डार्क रेड वगैरह चाहे या टेराकोटा कलर लेना है, तो आपको ये क्लियर बेस का ही डिमांड करता है और आप इसी के हेल्प से बना सकते हैं। तो अगर एक और भी इसमें आता है, ये IC2 और ये IC7, ये दोनों ही व्हाइट बेस होता है। जनरली हम क्या करते हैं, IC7 भी मांगता तो हम IC2 ही लगा के उस कलर को बना लेते हैं, उसमें बहुत नेग्लिजिबल फर्क आता है जो आप कस्टमर कैच नहीं कर सकते, या फिर वो नहीं पता चलता है कि बेसिस चेंज हुआ है। तो जनरली जो IC7 भी मांगता तो हम IC2 के हेल्प से ही वो कलर बना लेते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। हमारे बार इसी तरह से लिए आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।